Hello students, welcome to the channel. And here I have brought the solution of very short answer questions of chapter 5 from class 8 science, and the name of the chapter is Combustion and Flame. So let's begin. In the previous video I have discussed the questions which were objective type questions, you can say it. Okay, now let's discuss the very short answer question number 1. What are the products of combustion? What are the products of combustion? Combustion, जब भी combustion होता है तो उसमें क्या product produce होता है, इसके बारे में आपको लिखना है. तो answers आप क्या लिखोगे? Carbon dioxide, water, heat and light. आप जानते हो कि जब भी कोई चीज़ जो होती है वो कोई भी कंबस्टाइल सबस्टेंस, कोई भी कंबस्टाइल सबस्टेंस वो क्या करता है? ऑक्सीजन से कंबाइन करता है. ओके, सो जब ये कंबाइन करता है तो वो उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? CO2 एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उसको बोलते हैं CO2. एक बाई प्रोडक्ट बनता है वाटर H2O. देन उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है. और कौन सी एनर्जी? हीट एंड लाइट एनर्जी. ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन में आप क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट. नाउ लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग यू दैट नेम द सबस्टेंस विच इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन. कौन सा ऐसा सबस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं कि ये कंबशन का सपोर्टर है, मतलब इसके बिना कंबशन नहीं हो सकती, इट सपोर्ट्स बर्निंग. तो आप जानते हैं, आपने फायर ट्रायंगल पढ़ा था, है ना? यहाँ पर आपने पढ़ा था कि कोई भी कंबस्टाइल सबस्टेंस, कोई अगर फायर अगर चाहिए तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? एक तो फ्यूल चाहिए होता है, कोई मतलब कोई भी कंबस्टाइल सबस्टेंस, फिर सपोर्टर ऑफ फायर चाहिए होता है जो कि है ऑक्सीजन, और इग्निशन टेम्परेचर यानी कि आपको बाहर से आपको सोर्स ऑफ हीट प्रोवाइड करना पड़ता है किसी एक्सटर्नल सोर्स से. ठीक है, तो आपका तभी जो है वो कंबशन होता है. तो जो सपोर्टर ऑफ कंबशन है वो क्या है? ऑक्सीजन, O2. इट इज़ अ गैस विच इज़ प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट. एंड हाउ मेनी परसेंट इट इज़? इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 21%. राइट, नाउ लेट्स सी नेम द मेजर पोल्यूटेंट्स इन द एयर. एयर में जो मेजर पोल्यूटेंट है उसके बारे में आपको नाम लिखना है. तो यू कैन राइट फ्लाई ऐश एंड कार्बन डाइऑक्साइड. फ्लाई ऐश जो होते हैं वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं. जब भी कोई चीज़ कंब्यूस्ड होती है तो उसमें से अनबर्न कार्बन पार्टिकल जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, और बहुत ही हल्के होते हैं, और एयर में वो क्या करते हैं? फ्लोट करने लगते हैं. और व्हेन वी इनहेल, जब हम उसको इनहेल करते हैं तो उससे हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बीमारियाँ हो जाती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वैसे तो ये गैस उतनी हार्मफुल नहीं है, लेकिन ओवर कंबशन करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो एनवायरनमेंट में बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओके, एंड क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन एट्सेट्रा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी टू गैसियस फ्यूल. ऐसे फ्यूल का नाम लिखना है जो गैसियस फॉर्म में होता है. आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फ्यूल में कि सॉलिड फ्यूल होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैसियस होते हैं. फ्यूल जो होते हैं वो किसी भी फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड, गैस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं. राइट, तो यहाँ पे गैसियस फ्यूल का नाम लिखना है, आप लिख सकते हो LPG जो कि है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ये क्या है? दोनों ही फ्यूल हैं, बहुत ही अच्छे फ्यूल हैं, गुड फ्यूल हैं. और ये कौन से फॉर्म में होते हैं? गैसियस फॉर्म में होते हैं. आप जानते हैं कि LPG को आप अपने घरों में
यूज़ करते हो फॉर कुकिंग, और सीएनजी को आप जानते होंगे यू यूज़ इन योर व्हीकल, व्हीकल में यूज़ होता है। Now the next question is, what is the harmful gas given out during combustion when enough oxygen is not available? मान लीजिए combustion हो रहा है और वहाँ पे oxygen enough नहीं है, तो उसकी वजह से एक बहुत ही harmful gas produce होती है जिसको हम लोग बोलते हैं carbon monoxide। ठीक है, CO इसका formula है, carbon monoxide। Now the next question is, why is it more difficult to burn some combustible substances than other? Combustible substances, कुछ ऐसे combustible substances होते हैं जो बहुत जल्दी से आसानी से उनमें आग लग जाती है, and they start to burning, but कुछ ऐसे combustible substances होते हैं जो जिनको जलाने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ combustible substances का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, हाई होता है, तो आपको ज़्यादा उन्हें हीट प्रोवाइड करना पड़ता है उनमें बर्निंग स्टार्ट करने के लिए, तो ड्यू टू देयर हाई इग्निशन टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए कि आपके पास पेट्रोल है और कोल है, तो पेट्रोल को अगर आप जलाएंगे तो थोड़ी सा स्पार्क, थोड़ी सी हीट है उसको मिलती है, वो तुरंत जलने लगता है, लेकिन जो कोल है तो कोल भी कम्बस्टाइल है, वो भी बर्न होगा, लेकिन उसको आपको जलाने के लिए ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोल एंड पेट्रोल आर बोथ फ्यूल्स, वाई शुड मोर केयर बी टेकन टू स्टोर पेट्रोल? कोल और पेट्रोल दोनों ही क्या हैं, दोनों ही फ्यूल्स हैं। ठीक है, लेकिन हम पेट्रोल को ज़्यादा केयर के साथ, ज़्यादा प्रोटेक्शन के साथ हम क्या करते हैं, उसको हैंडल करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, रखते हैं। क्यों? क्योंकि पेट्रोल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कोल से कम है, बिकॉज पेट्रोल हैज़ लो इग्निशन टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू द कोल, एंड हैंस इट इज़ कॉल्ड इनफ्लेमेबल सबस्टेंस। और जिन भी सबस्टेंस का इग्निशन टेम्परेचर लो होता है तो वो आसानी से उनमें आग लग जाती है, और उन सबस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल। ठीक है, तो इसलिए हमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है क्योंकि थोड़ा सा भी हीट उसको मिलेगा उसमें आग लग जाएगी और उस फिर उससे डेंजरस सिचुएशन बन जाएगी। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द डिफरेंस बिटवीन रैपिड एंड स्पॉन्टेनियस कम्बशन। रैपिड और स्पॉन्टेनियस कम्बशन के बारे में आपको बताना है। तो रैपिड कम्बशन वो होता है जिसमें कोई चीज़ जल्दी जल्दी से बर्न होती है और बहुत ही कम समय में हीट और लाइट प्रोड्यूस करके आपको प्रोड्यूस कर देती है ना। जैसे इसको आप क्या बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कुकिंग गैस एलपीजी इन अ गैस स्टोव, बर्निंग ऑफ पेपर, केरोसिन ऑयल, बर्निंग ऑफ वैक्स एट्सेट्रा। इसको आप जलाएंगे तो बहुत जल्दी से इसमें आग लग जाएगी और बहुत जल्दी जल्दी से हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होने लगेगी, राइट? तो इसमें आप क्या लिखेंगे, द कम्बशन इन विच सबस्टेंसेस बर्न रैपिडली, रैपिडली का मतलब फास्टली, टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, जल्दी से कम समय में, इट इज़ नोन एज रैपिड कम्बशन। इन रैपिड कम्बशन एक्सटर्नल हीट मस्ट बी गिवन सो दैट द सबस्टेंस कैन बर्न। इसमें आपको एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है, अपने आप ये नहीं जलता है। इसका एग्जाम्पल आपने देख लिया, बर्निंग ऑफ कोकिंग गैस एलपीजी, बर्निंग ऑफ पेपर, केरोसिन ऑयल, बर्निंग ऑफ वैक्स। स्पॉन्टेनियस कम्बशन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस कम्बशन वो होता है जिसको आप जलाओगे तो जो बिना, विदाउट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट के जल जाती है, ठीक है, और ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब ऑटोमेटिक होता है।
द कम्बशन इन विच द सबस्टेंस बर्न्स ऑन इट्स ओन विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल हीट, मतलब बाहर से आपको एक्सटर्नल हीट देने की ज़रूरत नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, वाइट फॉस्फोरस अंडरगोज स्पॉन्टेनियस कम्बशन वेन द रूम टेम्परेचर इज, दिस इज 35 डिग्री सेल्सियस विच इज़ इट्स इग्निशन टेम्परेचर. जो वाइट फॉस्फोरस है उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, 35 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा रूम टेम्परेचर के आसपास होता है. तो जैसे ही रूम टेम्परेचर जो होता है इसके इग्निशन टेम्परेचर से मैच करता है, वैसे ही इसमें अचानक से अपने आप आग लग जाती है. आपको एक्सटर्नली कोई हीट आपको उसको प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है, राइट. इसीलिए हम क्या करते हैं, फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर. इसीलिए हम इसको वाटर में स्टोर करके रखते हैं, पानी में, ताकि ऑक्सीजन इसको ना मिले और ऑटोमेटिक से इसमें स्पॉन्टेनियसली बर्निंग ना हो जाने. तो अचानक से कहीं भी आग पकड़ लेगा तो उससे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. फॉरेस्ट फायर आर कॉज समटाइम ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और लाइटनिंग. दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ spontaneous combustion. Next question is, why is the use of diesel and petrol as fuel in automobiles being replaced by compressed natural gas in big cities? Question आपसे पूछ रहा है कि क्यों बड़े शहरों में हमने डीजल और पेट्रोल से चलने वाले गाड़ियों में हमने CNG यूज़ शुरू कर दिया है, एंड डीजल और पेट्रोल को हमने रिप्लेस कर दिया CNG से. पहले गाड़ियाँ हम चलाते थे ट्रेडिशनली किससे, डीजल और पेट्रोल से, लेकिन उसको अब रिप्लेस करके CNG यूज़ किया जा रहा है, ठीक है. तो CNG क्या है, एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ना, जो कि एक बहुत ही क्लीन फ्यूल है. CNG इज़ द क्लीन फ्यूल, इट डजेंट प्रोड्यूस एनी पॉल्यूटेंट. देखिए, जब पेट्रोल और डीजल जलेगा तो उससे बहुत सारा रेजिड्यू, बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में मिक्सअप होते हैं और पोल्यूशन कॉज करते हैं, और उस पोल्यूशन से फिर बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है. लेकिन CNG जो है वो बहुत ही क्लीन फ्यूल है, मतलब उसको अगर आप बर्न करते हो अपने ऑटोमोबाइल्स में, अपनी गाड़ियों में, तो कोई रेजिड्यू नहीं बचता है, कोई स्मोक, कोई फ्लाई ऐश, कोई सूट पार्टिकल नहीं प्रोड्यूस होता, और ना ही कोई बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैस प्रोड्यूस होती है. तो ये पॉल्यूशन नहीं कॉज करता है. CNG क्या है, एक टाइप का क्लीन फ्यूल है, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता. इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि बड़े शहरों में, क्योंकि बड़े शहरों में बहुत सारी व्हीकल्स होती हैं, लैक्स ऑफ व्हीकल्स एक साथ चलती हैं रोड पर, तो बहुत ज़्यादा व्हीकल एक साथ चलती है तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी होता है एनवायरनमेंट में. तो इसलिए हम बड़े शहरों में क्या कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस कर रहे हैं CNG से, ताकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ भी चलें तो कम से कम पॉल्यूशन हो, क्योंकि CNG जो है वो कोई रेजिड्यू, कोई पॉल्यूटेंट जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कम्बशन. कम्बशन से आप क्या समझते हो, तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कम्बशन क्या, एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है ना. Combustion is a chemical reaction in which combustible substance combines with oxygen to produce heat and light. Combustion एक तरीके का chemical reaction है जिसमें क्या होता है, कोई भी combustible substance oxygen से combine करता है और क्या produce करता है, heat और light energy. और जो कम्बस्टाइल सबस्टेंस को हम यूज़ करते हैं फॉर गेटिंग एनर्जी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं ना. तो जैसे पेट्रोल है, डीजल है, CNG है, LPG, दीज आर द फ्यूल्स दैट वी यूज़ फॉर द कम्बशन, सो दैट वी कैन गेट द एनर्जी, एंड वी यूज़ दैट एनर्जी टू रन आवर व्हीकल, आवर इंडस्ट्रीज एंड आवर अप्लायंसेज एट्सेट्रा. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द इग्निशन टेम्परेचर.
इग्निशन टेम्परेचर किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सबस्टेंस कैचेस फायर एंड स्टार्ट बर्निंग इट इज़ कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। को आप जानते हो फायर ट्रायंगल में आपने पढ़ा था कि कोई भी कम्बस्टाइल सबस्टेंस तब तक नहीं जलेगा जब तक कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो उसे नहीं मिल जाता है ना। तो वो इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे कोई कम्बस्टाइल सबस्टेंसेस जलने लगता है, इट स्टार्ट्स बर्निंग इट कैचेस फायर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। कुछ कम्बस्टाइल सबस्टेंस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और कुछ सबस्टेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो जिनका भी इग्निशन टेम्परेचर कम होगा तो वो बहुत ही इनफ्लेमेबल सबस्टेंस होंगे, उनको बहुत ही कॉन्शसली केयरफुली हमें हैंडल करना पड़ेगा, जैसे अल्कोहल है, पेट्रोल है ना, कैरोसिन है। तो ये सारी चीज़ें इनफ्लेमेबल हैं, तुरंत इसमें आग लग जाती है क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, बहुत ही लो है। एक छोटा सा स्पार्क भी उनको इनके इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड कर देता है और आग लग जाती है। लेकिन कुछ ऐसे कम्बस्टाइल सबस्टेंसेस भी होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे कोल है, वुड है, ठीक है। तो इनको जलाने के लिए आपको ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जिनका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो उनमें आग लगने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम होती है, तो जल्दी उनमें आग नहीं लगती है, तो उनको हैंडल करने में उतनी कठिनाई नहीं होती है। लेकिन ये बात है कि अगर उनको जलाना है तो हमें ज़्यादा जो है वो ज़्यादा हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, ज़्यादा उनको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा तब, ताकि उनका जो इग्निशन टेम्परेचर हो उनसे मैच कर जाए और फिर बर्निंग स्टार्ट हो जाए। जैसे आपको कोल जलाना होगा तो आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, राइट। तो इसलिए लकड़ियों पे खाना बनाना, कोल से खाना बनाना क्या होता है, एक मुश्किल काम होता है, एक थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन जब हम LPG पे बनाते हैं तो इट इज़ वेरी इजी, हम एक माचिस, एक लाइटर का स्पार्क से हम क्या करते हैं, LPG को बर्न कर लेते हैं विद इन अ सेकेंड, ओके। क्योंकि LPG का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो काफ़ी लो है, ओके। सो इट स्टार्ट बर्निंग एट वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, सो दिस इज़ कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ जलने लगती है, जलना स्टार्ट कर देती है, उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।